हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को ट्रायंगल से रिलेटेड बातें बताया था, अब मैं इस लेक्चर में सर्कल के बारे में बताऊंगा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, या सर्कल से बनने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं मैं इस लेक्चर में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि सर्कल क्या है। सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। सर्कल एक ऐसा क्लोज्ड कर्व फिगर होता है। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, क्लोज्ड का मतलब बंद, ओपन का मतलब क्या होता है? फ्लावर, मतलब दो सिरा होगा, दो पॉइंट्स होंगे या दो एंड पॉइंट जो होंगे वो मिले हुए नहीं रहेंगे, तो उसको हम लोग ओपन बोलेंगे। अगर मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज। क्या बोलेंगे? तो एक सर्कल जो है ना, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर क्या होते हैं पाया जाता है। मतलब आप अगर मान लो एक प्लेन है, एक सरफेस है, इस सरफेस में एक पॉइंट ले लो, सरफेस में एक फिक्स्ड क्या कर लो, पॉइंट ले लो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस ले लो, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर लिए? डिस्टेंस ले लिए। अब ये फिक्स डिस्टेंस को लेकर के इसके चारों तरफ क्या करना है? रोटेट कर जाना है, एक चक्कर क्या करना है? लगा लेना है। लगाओगे तो क्या होगा कि इस तरह से एक फिगर ड्रॉ हो जाएगा, इस तरह से एक ये क्या बन जाएगा? फिगर ड्रॉ होगा जो एक क्लोज्ड एंड क्या होंगे? कर्व होंगे। क्लोज्ड एंड क्या होंगे? कर्व होंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल। क्या बन गया? ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या है? आप इधर जितना डिस्टेंस है इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, यानी चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस के साथ एक कर्व बनाया गया, एक फिगर बनाया गया, उसी फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल। अब देखो सर्कल का ये जो फिक्स पॉइंट है, सर्कल का ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस। ये भी डिस्टेंस फिक्स है, इधर भी आप जो डिस्टेंस लोगे वो भी डिस्टेंस उतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, चारों तरफ इसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। ये होगा तुम्हारा क्या? सर्कल। सर्कल का जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर। सेंटर को हम लोग सिंपली क्या किसके द्वारा डोनेट करते हैं, किसके द्वारा सिंबल करते हैं? जीरो के द्वारा। जो भी सेंटर होगा सर्कल का उसको हम लोग किसके द्वारा लिखेंगे? जीरो के द्वारा। तो ये एक 2D फिगर है सर्कल, ये क्या है? 2D फिगर है। यहाँ लिख सकते हो पहला पॉइंट कि सर्कल इज ए 2D फिगर। 2D फिगर मतलब हुआ इसमें लेंथ और ब्रेथ के अलावा हाइट नहीं आएंगे, ये एक 2D फिगर हुआ। दूसरा कि सेंटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर। और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है जो इसका लेंथ कहलाता है, सर्कल का क्या कहलाता है? ये लेंथ कहलाता है, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। अगर आप चर्चा सर्कमफेरेंस का करो, इसका सर्कमफेरेंस यहाँ लिखोगे टोटल, टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्या? सर्कमफेरेंस। जिसको सर्कमफेरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सी द्वारा सूचित करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? सी। क्या होता है? सी। सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी सर्कल का टोटल लंबाई। सर्कल का सर्कमफेरेंस का मतलब हुआ क्या? सर्कल का टोटल लंबाई। आप मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? ओ। सेंटर को हम लोग क्या मान लिए? ओ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल दिए हैं? रेडियस। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर इनिशियल पॉइंट मान लें, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, यहाँ से स्टार्ट करें और हम लोग एक बार क्या करें इसका चक्कर लगा लें, तो ये फिर कहाँ तक आएंगे? ए तक। ए से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग कहाँ तक आएंगे? ए तक आएंगे। तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगा ना,
ये टोटल डिस्टेंस होगा वो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम फ्रेंस यानी परिधि, वृत्त की परिधि। टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कम फ्रेंस। इसको हम लोग क्या लिखते हैं सिंबल में, सी। इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है सर्कम फ्रेंस के लिए, फार्मूला होता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर्कल का सर्कम फ्रेंस इतना ही होगा। तो सर्कल का सर्कम फ्रेंस के लिए फार्मूला होता है यानी सी बराबर, यानी सर्कम फ्रेंस बराबर टू पाई, क्या होता है आर, क्या होता है टू पाई आर। पाई को, पाई एक क्या है, कांस्टेंट है, पाई एक क्या है कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, या फिर हम लोग इसको डेसिमल में लेंगे तो 3.14। 3 कितना 14 पाई का वैल्यू होता है। और यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, 2 एक फिक्स है ना, पाई भी एक क्या है फिक्स है, पाई भी एक संख्या है 22/7। और यहाँ पर एक क्या है रेडियस, यहाँ पर एक क्या है आर, आर फॉर रेडियस। आर को हम लोग क्या बोलेंगे रेडियस। और हम रेडियस के बारे में जान चुके हैं, रेडियस क्या होता है, ओरिजिन यानी सेंटर से ये सर्कल का सर्कमफेरेंस हुआ, ये लाइन लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे सर्कल का सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस और ये सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहेंगे रेडियस, क्या कहेंगे रेडियस। तो सर्कमफेरेंस बराबर क्या होता है टू पाई आर, टू एक फिक्स है, पाई भी फिक्स है, और आर भी क्या है फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग आएंगे और वो इस सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्कल एक क्या है टू डी फिगर है, सर्कल क्या है टू डी फिगर है। दूसरा, सर्कल के अंदर कितने सारे रेडियस हो सकता है, अगर रेडियस का अगर आप डिफाइन करना चाहोगे कि व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज रेडियस, इसका डिफिनेशन अगर आप लोग लिखोगे तो इसका होगा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड सर्कमफेरेंस, किसके किसके बीच का डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बीटी, इसको हम शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे लिखेंगे पूरा क्या बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड किसके बीच सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इसी को हम लोग क्या कहेंगे रेडियस। तो रेडियस का सिंबल क्या हुआ, रेडियस का सिंबल क्या हो गया आर। अब ये बताओ कि सर्कल के अंदर कितने सारे रेडियस हो सकते हैं, सर्कल के अंदर कितने सारे रेडियस हो सकते हैं। एक रेडियस आपका क्या हो गया OA, इसकी इसके बगल में भी एक रेडियस खींच सकते हो ना, इसके बगल में भी रेडियस खींच सकते हो, इसके बगल में भी रेडियस खींच सकते हो, कितने सारे रेडियस खींच सकते हो इन्फिनिटी, कितने सारे मतलब एक सर्कल के अंदर कितने सारे रेडियस हो सकते हैं। अगर आप ये सर्कल मान लो, ये सर्कल का सेंटर हो गया और यहाँ से ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया, और ये सर्कल सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले रेडियस कहे, तो यहाँ पर एक रेडियस हुआ तो ये भी एक क्या होगा रेडियस, ये भी एक क्या होगा रेडियस, ये भी एक क्या होगा रेडियस, इसके बीच में भी कितना होगा रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस। तो क्या रेडियस की कमी है, सेंटर एक सर्कल के अंदर कई सारे रेडियस क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकोगे क्या कि नंबर ऑफ रेडियस इन ए सर्कल, इन ए सर्कल कितना होगा बोलो, इन्फिनिटी, अनंत होगा, क्या होगा किसी सर्कल में रेडियस की संख्या कितना होगा इन्फिनिटी, बात समझा।